18 जुलाई को एनएमसी ने बोला सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास अकोमोडेशन के लिए इतना स्पेस नहीं है, हमारे पास स्पेशल नहीं है, हमारे पास कॉलेज नहीं है। माई डियर फ्रेंड, फिर हमने प्रेशर बनाया तो 23 जुलाई को उन्होंने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चेंज कर दिया। अब उसमें से अकोमोडेशन नहीं है का शब्द हटा करके अब उन्होंने दिया है मोबिलिटी ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने डाला है। और हम चाहते हैं कि सारे बच्चों का एडमिशन इंडिया में हो। मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर लगातार, जिस तरीके से आप सामने देख सकते हैं इन लोगों के हाथों में बैनर है। ये कौन लोग हैं? ये वो छात्र हैं जो यूक्रेन से लगातार निकाले गए थे, यूक्रेन से जो वापस आए आज अब भारत आ चुके हैं, लेकिन 5 महीने से लगातार जो है इनको एडमिशन का आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और लगातार ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के चलते अब ये गुस्सा जो है इनका सरकार पर फूट रहा है कि किस तरीके से सरकार जो बार बार बात कर रही थी कि इन छात्रों को निकाल लिया वाह मोदी जी किया जा रहा था, लेकिन अब वाह मोदी जी की आप सामने सच्चाई देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने हक अधिकार के लिए लगातार यहाँ मांग कर रहे हैं। जिन छात्रों को आज कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बैठकर पढ़ना चाहिए था वो आज यहाँ रोडों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ है आरबी गुप्ता जी। आरबी गुप्ता जी, क्या कुछ है? हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे बच्चों को इंडिया में अकोमोडेट किया जाए। कारण ये है कि यूक्रेन में वॉर ख़त्म नहीं हो रही है और बहुत सारे बच्चे टेंशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है, क्योंकि 1 सितंबर से फिर से इनका क्लास शुरू होगा और ऑनलाइन क्लासेस मेडिकल प्रोफेशन के लिए सही नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इन दो हमारी डिमांड है, एक तो ये है कि जो 5th या 6th ईयर के बच्चे हैं उन सबको अकोमोडेट किया जाए इंडिया में, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कहीं ले नहीं सकते। और उसके बाद अगर किसी को ट्रांसफ़र की भी जरूरत पड़ती है तो उनको वो नहीं मिल रही है, वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल रही है, तो वो अवेलेबल कराया जाए। और हमारी डिमांड है सारे बच्चों को इंडिया में एडमिशन दिया जाए, अकोमोडेट इंडिया में किया जाए, राइट। तो ये हमारी डिमांड है। हमने करीब स्ट्रगल करते हुए 4 से ज़्यादा मंथ्स हो चुके हैं, बट अभी तक जो है भारत सरकार की तरफ से हमें मौका नहीं दिया, हमें मोदी से मीटिंग का कोई मौका नहीं दिया। हमने 4 बार अप्लाई किया ऑनलाइन, दो बार हमने फिजिकली ऑफिस में हमने एप्लीकेशन दिया, बट कभी हमें टाइम नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमें आश्वासन दे और हमारे बच्चों को इंडिया में अकोमोडेट करे, ये हमारी मेन डिमांड है। तो जिस तरीके से लगातार जो है मोदी जी तो बोल रहे हैं यूक्रेन से छात्रों को बुला लाए, लेकर आ गए, निकाल लाए, जिस तरीके की वहाँ परिस्थितियाँ थी, हालात थे, वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता था, लेकिन अब जो है मोदी के खिलाफ ही यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है। वेल, ऑपरेशन गंगा चलाया मोदी जी ने तो वो तो बहुत अच्छा रहा, उसके लिए हम लोग थैंक्स करते हैं, बट हमें इसके पीछे का जो है मोटिव समझ में आया, यूपी में इलेक्शन था तो इलेक्शन की वजह से उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया और उन्होंने यूपी में वोट तो ले लिया, बट आज कोई इलेक्शन नहीं होने की वजह से आज हमारे बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री, एनएमसी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री, अगर आपके पास विल होता तो आप सारे बच्चों को अकोमोडेट कर सकते थे। 18 जुलाई को एनएमसी ने बोला सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास अकोमोडेशन के लिए इतना स्पेस नहीं है, हमारे पास स्पेशल नहीं है, हमारे पास कॉलेज नहीं है। माई डियर फ्रेंड, फिर हमने प्रेशर बनाया तो 23 जुलाई को उन्होंने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चेंज कर दिया। अब उसमें से अकोमोडेशन नहीं है का शब्द हटा करके अब उन्होंने दिया है मोबिलिटी ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने डाला है। और हम चाहते हैं कि सारे बच्चों का एडमिशन इंडिया में हो, ये हमारी मेन डिमांड है। अच्छा, अभी आपने कहा यूपी के चुनाव थे इसलिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, यानी उनको भारत के जो जितने भी छात्र वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए थे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है? अगर मैं देखूं पॉइंट को देखता हूँ मैं, यूपी में ऑपरेशन, यूपी में जो चला था इलेक्शन उसके लिए ऑपरेशन गंगा चला करके उन्होंने क्या करा, वोट को जो है उन्होंने सिक्योर किया, रियली सिंपैथी थी तो यूपी में बहुत अच्छा वोट मिला। अगर मैं कहता हूँ अगर अभी इस समय कोई इलेक्शन होता 101% था, सारे बच्चों का अकोमोडेशन इंडिया में हो गया होता, तो इलेक्शन नहीं है इसलिए सारे बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। अब 2024 तक इंतजार कीजिए अगर ऐसा ही है कुछ तो, बट 2024 तक क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे 5th ईयर में है, कुछ बच्चे 6th ईयर में, 6th ईयर का मतलब 1 साल बचा हुआ, 5th ईयर का मतलब 2 साल बचा हुआ, और तो हमारे ये कहने का मतलब है बच्चों का भविष्य खराब ना हो इसलिए प्लीज अकोमोडेट किया जाए।
अभी हमारे साथ आरबी गुप्ता थे। लगातार जिस तरीके से यूक्रेन से लौटे ये भारत के छात्र जो अपनी मुद्दों को लेकर लगातार यह मांग कर रहे हैं, लगातार जो है इनकी मांग यही है मोदी जी से कि भाई हमें जिस तरीके से वहां से निकाला उसके बाद आपने आश्वासन दिया कि हमें यहां पर एडमिशन दिया जाएगा दिल्ली में, तो भारत में जिस तरीके से आप देख सकते हैं विश्वविद्यालयों की स्थिति कितनी खराब है और जिस तरीके से शिक्षा महंगी है, तो उस तरीके से ये यहां पर बेचारे लगातार जो है एडमिशन भी नहीं पा सकते। लेकिन जिस तरीके से सरकार में बैठे ये लोग जो भाजपा के लगातार ये कहते हैं कि बच्चों में इस तरीके की काबिलियत नहीं है, इसीलिए ये भारत में दाखिला नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये बाहर विदेशों में जाते हैं। लेकिन आप देखिए ये ही छात्र आज जो है लगातार उनकी अंदर की जितनी भी राजनीति है उसका खुलासा कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं किस तरीके से शिक्षा नीति महंगी है। हमारे साथ यूक्रेन से लौटी ही छात्र हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसे जानते हैं क्या कुछ। मैम मेरा ये कहना है कि जो मीडिया आ रही है वो ये बोल रही है कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप ये बताइए, हमने 24 तारीख को प्रोटेस्ट किया था, हमने 5 जुलाई को प्रोटेस्ट किया था, उसमें बच्चे आए थे, उसमें दिल्ली से बच्चे आए, उसमें कर्नाटका से बच्चे आए, उसमें बच्चे आए। लेकिन हर बार प्रॉब्लम क्या होती है, हमें प्रोटेस्ट से पहले हमें परमिशन लेनी होती है। परमिशन लेने के लिए वो बोलते 200 की परमिशन है, वो बोलते 400 की परमिशन है, हम उतने ही लोग आ रहे हैं, हम 10,000-5,000 लोग नहीं आ रहे, हम कोई भी मतलब कानून नहीं तोड़ रहे। यहाँ पे भी हमें परमिशन मिली 200 लोगों की बस मिली। उसके बाद मीडिया सवाल उठा रही है आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप में एकता नहीं है, आप क्या कर रहे हो। मैम जितनी हमें परमिशन मिल रही है हम उस हिसाब से आ रहे हैं, हम कोई दंगी। आज भी जो मैं छात्र देख रही हूँ बहुत कम संख्या में है, सिर्फ 200 की परमिशन मिली है, कहाँ से बच्चे आ जाएंगे। हम 200 भी नहीं लग रहे हैं ये लगभग, ये सारे इधर सारे बच्चे, ये सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। हम कोई भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, हम जो अपनी रिक्वेस्ट है वो आराम से प्यार से हम लोग रखना चाहते हैं, और हम मतलब बहुत आराम से हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थी। उस टाइम पे मीडिया नहीं आई थी, मैंने खुद पर्सनली मैसेज किया था उन्हें, मीडिया नहीं आ रही, गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही, बच्चों का मनोबल टूट रहा है। मैम अभी जिस तरीके से नेशनल मीडिया लगातार दिखा रहा था कि यूक्रेन से मोदी जी ने छात्रों को निकाल लिया, लेकिन आज जब मांग लेकर आप यहाँ बैठे हैं कोई नेशनल मीडिया नहीं दिख रहा है, कोई नेशनल मीडिया नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत लोगों को मैसेज किया, मीडिया आने को राजी नहीं है, मीडिया कवर करने को राजी नहीं है, बच्चे क्या कह रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं करते, सीन करके छोड़ देते हैं, वो सीरियस ही नहीं ले रहे कि इन बच्चों का जो भविष्य है उसके बारे में हमें सीरियस सोचना है। बच्चों का मनोबल टूटता है, बच्चे आते नहीं, बच्चे बोलते हैं हम लीगल जाएंगे, वो MP से मिल रहे हैं, MLA से मिल रहे हैं, वो मतलब PMO में जाके मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे, वो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, अदर स्टेट के बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, अदर स्टेट्स में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप सबको दिखाइए ना कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप दिल्ली के बेसिस पे बोल रहे हैं आप इस स्ट्रेंथ में है। तो एक अगर एक बच्चे के मरने से पूरे हमारे भारत में शोक फैल सकता है, तो क्या ये जो हम यहाँ पे बच्चे आए हैं हमारी आवाज नहीं जानी चाहिए। ये जरूरी है जब 1,000-2,000 बच्चे हम इकट्ठा कर लेंगे और की तरह हम गाड़ी चलाएंगे, हम डॉक्टर नहीं चलाएंगे, हम धरने पर बैठ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हो रहा है, हम नहीं चाहते किसी के साथ, हमें न्याय चाहिए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल रहे हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी तबाह हो गई है, यहाँ पे आने के बाद वो हमें जगह दे दे, हमें पढ़ने दे, कोई रिश्तेदार भी हमारे घर में आते जगह नहीं होती, तो भी बेशक हमारे पास बेड नहीं होगा ना, तो चटाई बिछा के वहाँ पे उसको सुलाएंगे, लेकिन अगर उसकी हालत खराब है उसे बाहर नहीं जाने देंगे। क्या हमारी गवर्नमेंट सरकार चाहती है कि हम दोबारा से बाहर चले जाएं? हम प्यार से अपनी रिक्वेस्ट रख रहे हैं, प्यार से कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक गवर्नमेंट नहीं मानती है, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेंगे क्या होगा? बाहर आपने कहीं पत्र वगैरह दिया है, कहीं एप्लीकेशन वगैरह लगाए? PMO ऑफिस में दिया है, उसके बाद वहाँ से जवाब आया कुछ? वहाँ से जवाब नहीं आया, सिग्नेचर कंपेन चला PMO से, ट्विटर कंपेन चल रहा है हमारा, और जितने भी MP MLA से मिलते हैं मेमोरेंडम देते हैं, उनके हम सॉल्यूशन देते हैं वहाँ पे जाके कि ये सॉल्यूशन है, आप हमें ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर और जब भी हमारी स्ट्रेंथ होती है 400-500 की मीडिया नहीं आती, मीडिया कवर नहीं करती हमें, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें डर है हमारी जो बात है वो आगे तक फैली। क्यों नहीं आ रही है नेशनल मीडिया आपको दिखाने के लिए? तब तो वहाँ पहुँच जा रही थी जब यूक्रेन से आप लोग लौट रहे थे। मैम मुझे नहीं पता,
मुझे सीरियसली नहीं पता, मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। उसके बाद हम जितने भी बच्चे हैं, हमें ये धरना वरना नहीं देना आता, हमें अपना कंप्लेंट फैलाना नहीं आता, हमें जैसे समझ में आ रहा है हम बैठ रहे हैं, हम नहीं इकट्ठा कर पा रहे लोगों को। हम अगर चाहे तो हम क्या लोगों को बुला नहीं सकते? एक एक बच्चा अगर चाहे अपने 4-5 दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को ला के यहाँ पे स्ट्रेंथ खड़ी नहीं कर सकता? कर सकता है, नहीं करना है, कर रहे हम सरकार को गुमराह नहीं करना चाहते। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो यूक्रेन रिटर्न ना हो। सारे के सारे बच्चे वहाँ से MBBS पढ़ते थे, हम दोस्तों को नहीं लेके आए, हम खुद आए। चलिए, अभी आपने देखा किस तरीके से लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम छात्र हैं, छात्र की तरह से ही अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। वहीं जब नेशनल मीडिया, देखिए अभी मैंने एक छात्र से बात करी, नेशनल मीडिया लगातार जब यूक्रेन से छात्र आ रहे थे तो वहाँ मोदी जी और गंगा जैसे ऑपरेशन चलाए गए थे, लगातार उनकी वाहवाही का डंका बज रहा था। लेकिन अब आप सामने देख सकते हैं ये वही छात्र लगातार यहाँ पर अपनी शिक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ कोई नेशनल मीडिया इनको कवर करने नहीं आ रहा है, दिखाने नहीं आ रहा है। मगर ये भी समझने की बात है किस तरीके से शिक्षा को जो है गर्त में डाल दिया गया है, इनके भविष्य को गर्त में पहुंचा दिया गया है। आज अभी ये छात्र क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, यही सोचने वाली बात है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे साथ धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।